हैदराबाद में दोपहर में सब लोग सोते हैं, आप सबके सोने के बाद मैं ये रजिस्टर में आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए फिर गाड़ी में आई हूँ, क्योंकि मैं घर पर बोलूँगी तो घर पर बोलने से सबको डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन ये चीज़ अगर मैंने आपको नहीं बताई तो मुझे बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाएगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। होने जा रही है आज एक खगोलीय घटना। खगोलीय घटना क्या है कि मंगल अपनी नीच राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। मंगल वहाँ पर 45 डेज तक रहने वाला है और मंगल का इस राशि के अंदर प्रवेश ये देश और दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। खेल खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है, खेलों के लिए अच्छा नहीं है, पुलिस के लिए अच्छा नहीं है, पुलिस केसेस अगर आपके ऊपर हो रहे हैं तो उसके लिए अच्छा नहीं है, अग्निकांडों के लिए अच्छा नहीं है, रेल दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, फ्लाइट दुर्घटना और रेल एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स और अग्निकांडों के साथ साथ बंदरों से होने वाली बीमारी या बंदरों के आतंक को लेकर हमें काफ़ी सारी बातें अगले 45 दिन तक सुनने को मिल सकती हैं। मंगल का नीच राशि में जाना दिवाली को भी भारी करता है, यानी कि कहीं ना कहीं पटाखों से जुड़ी हुई कोई घटना भी घट सकती है। कर्क राशि में जब मंगल प्रवेश करता है और नीच का हो जाता है तो जिन लड़का लड़की की शादी होने वाली हो जस्ट चंद कुछ दिनों में उनका ब्रेकअप हो जाता है। वो लोग एक दूसरे से शादी के लिए मना कर देते हैं, पति पत्नी में बेवजह के झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, मकान जायदाद को लेके बंटवारे की बातें शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जीवन में उथल पुथल होती है। अगर मंगल नीच का हो जाए तो इंसान का बीपी शूट अप करता है या बीपी एकदम लो हो जाता है, शुगर बीपी की परेशानियाँ बहुत सारे लोगों को आएंगी, अचानक से आपकी शुगर बढ़ जाएगी। इसका रीज़न दिवाली नहीं है कि आप सोचें कि आप दिवाली पर, दिवाली में तो अभी 10 दिन पड़े हैं, लेकिन इससे पहले ही आपको अपने बीपी और शुगर के बारे में सोचना होगा। सर में दर्द रहने लगेगा, बेवजह पे गुस्सा आएगा, बात बात पे इरिटेशन होगी। 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है मंगल का ये राशि परिवर्तन, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप पे चल रहे हैं पुलिस के कोर्ट कचहरी के केस तो आपके अंदर जाने की यात्रा हो सकती है, और अगर आप बेकसूर हैं, अंदर थे तो आपकी जमानत होने के भी चांसेस मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहे हैं। बात शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों, प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर खरीदें, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके पैसे लेकर कोई चपट भाग सकता है और आपकी प्रॉपर्टी की डील बीच में रह सकती है, सावधान होएं। आपके सुखों में कमी आएगी, क्या करें, गुड़ का दान करें हनुमान जी के मंदिर में अगले 45 दिन तक लगातार, हो सके तो मंगलवार के व्रत रखें। वृषभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, दौड़ भाग तो आपकी बनी रहेगी, गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, आपका पेट खराब हो सकता है, अगर आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया तो करीबी कोई रिश्ता आपसे दूर हो सकता है। मंदिर में 45 दिन तक लाल दाल का दान करें। मिथुन राशि, धन की कमी हो सकती है, धन लेकर कोई भाग सकता है, उधार देने से बचें, उधार लेने से बचें, झगड़े करने से बचें और सबसे बड़ी बात कि मजदूरों को भरपेट भोजन जरूर कराएं। कर्क राशि, जिस राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहा है, अब आप ही की राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहा है और आपकी तबीयत खराब ना करे, आपको बीपी शुगर ना दे, आपको गुस्सा ना दिलाए, एंजाइटी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तबीयत खराब होगी, धोखा हो सकता है, गाड़ी धीरे से चलाएं, एक्सीडेंट अग्निकांड होने के जो है वो योग बन रहे हैं, यात्रा टालें। यात्रा से विदेश का अगर वीज़ा अप्लाई कर रखा था तो वो सुख आपको मिल सकता है। सिंह राशि, गुस्सा बहुत आएगा, पुलिस कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है, भाई से विवाद हो सकता है, बीपी का अपने ध्यान बहुत ज़्यादा रखें और हनुमान जी के व्रत रखें, हनुमान जी की सेवा, सुंदरकांड का पाठ करें। कन्या राशि, परेशानियाँ होंगी, जल दान ज़रूर करें आप, साथ में मैं आपसे कहूँगी कि पानी की छबील आप जितनी लगाएं उतना बेहतर होगा। मन अगर किसी चीज़ में नहीं लग रहा तो दूर रहें, कोई करीबी रिश्ता आपसे दूर हो सकता है और बेवजह के झगड़े घर के अंदर होंगे जो एक्चुअली आप नहीं करना चाहेंगे। आगे बढ़े तुला राशि, मान सम्मान आपका समाज में बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गाड़ी धीरे चलाएंगे आप, वाणी पर कंट्रोल करेंगे आप, वाद विवाद से बचेंगे आप, पत्नी से झगड़ा होगा आपका, पति से झगड़ा होगा आपका, आप सूरज को जल दें बहुत अच्छा रहेगा और सूरज को जल देते वक्त आप गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें, यह आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो तबीयत, अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, तबीयत खराब होगी, आंतों से जुड़ी हुई समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, पड़ोसी से आपका झगड़ा होगा और आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आ सकता है, व्यापार में नुकसान होता दिख रहा है, शिव की पूजा करें। धनु राशि वाले, पेट से जुड़ी समस्या होगी, वाहन धीरे से चलाएं, समय आपके फेवर में नहीं है, कोर्ट कचहरी में आप केस हारते हुए दिखाई दे रहे हैं या कोर्ट कचहरी के केस आप पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, शिव भगवान पर सफेद पुष्प अर्पण करें और शिव चालीसा पढ़ें। मकर राशि, धन की बर्बादी, रास्ते बंद होते हुए दिख रहे हैं, दुश्मन खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुप रहेंगे तो बेहतर रहेगा, पति पत्नी का रिश्ता खराब होगा, पति पत्नी में झगड़ा होगा, पेट से जुड़ी समस्या होगी और पैसे की बर्बादी होगी, गुप्त दुश्मन आपको तंग करेंगे, कोर्ट कचहरी के केस आप हार सकते हैं। कुंभ राशि, गलत
सोच आपको दुनिया से दूर कर देगी, बेवजह आप ज़्यादा बोलेंगे जिसकी वजह से आपका कर्जा बढ़ेगा, मुसीबतें बढ़ेंगी, घर वाले ही आपके दुश्मन हो जाएंगे। मंदिर में गुड़ का दान करें। मीन राशि वाले, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, मान सम्मान प्रतिष्ठा बिगड़ते हुए दिख रही है, गर्लफ्रेंड से दूर होते हुए दिख रहे हैं, रिश्ते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, मंगल नीच का है, कम बोले, राहु पहले ही आपके घर में बैठा है। अनार के पेड़ की पूजा और अनार का भोग अगर हनुमान जी के मंदिर में आप लगाएं तो बहुत उत्तम है। ये सब कुछ अगले 45 दिन तक रहने वाला है। मंगल नीच का हो गया है, कर्क राशि में आ गया है, जो देश और दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजा नेता अभिनेताओं के मृत्यु की खबरें, गोली चलने की खबरें, दंगों की खबरें और विश्व युद्ध बढ़ते हुए दिखाई देंगे, युद्धों की स्थितियां बिगड़ती हुई दिखाई देंगी, लोग सड़कों पर विरोध करते हुए दिखाएंगे देंगे और डॉक्टरों से जुड़ी हुई भी बैड खबर आएगी, बैड न्यूज़ आएंगी, विरोध होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल कारक है खेलों का, मंगल कारक है डॉक्टर का, मंगल कारक है पुलिस का, वर्दी का, तो कहीं ना कहीं चाहे वो जल थल वायु सेना हो, उनसे जुड़ी हुई बैड न्यूज़ या कुछ नए कानून बनते हुए समाज में दिखाई देंगे। नेता अभिनेताओं के लिए ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चारों तरफ से आपको कहीं ना कहीं लोगों के जाने की खबरें आएंगी। बड़े बुजुर्गों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। बड़े बुजुर्गों की सेहत का बहुत ध्यान रखें, बीपी शुगर समय पर चेक कराएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब मंगल नीच का होता है और कर्क राशि में होता है तो दुनिया में हाहाकार मचती है, दुश्मनियाँ होती हैं, राजनीतिक उथल पुथल होती है, नेता भी नेता जो है कहीं ना कहीं, सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं और कई नए कानून बन जाते हैं और लोग सड़कों पर विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। भूकंप का आना, मौसम का बदल जाना, मौसम में अचानक से चेंज आ जाना, नदियों के अंदर बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, सुनामी आ जाना, भूकंप का आना और सबसे बड़ी बात यानी कि कोई भी ऐसा हादसा होना जो प्राकृतिक रूप से हो, जिसका असर आपके और मेरे जीवन में बढ़े। महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती है, ये बात भी याद रखिएगा, जब मंगल नीच का होता है रिश्तों को खराब करता है, छोटी छोटी बातों पे लोगों को गुस्सा आता है और लोग सड़क पर चक्कू निकालना शुरू कर देते हैं, मर्डर केसेस, हत्या केसेस सामने आते हैं और वो भी लव अफेयर में। जय माता दी। यानी क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा मन का कारक, तो ऐसे केसेस आएंगे, प्रेमी ने प्रेमिका को, प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया, प्यार में हो गया विवाद, प्यार में हो गया झगड़ा, काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि ऐसी प्यार में मर्डर हिस्ट्री लव ऐसे चीजेस हमें सामने को मिलेंगी। हनुमान जी की सेवा करते रहें, उनकी पूजा करें, कर्म अच्छे करें, डरे नहीं, जो उपाय मैंने आपको बोला है वो करते चले जाइए। कोई राशि वैसे मैं भूली नहीं हूँ, अगर भूली हूँ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। जय माता।